बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वहीं सुशील मोदी ने भी डिप्टी सीएम पद के रूप में शपथ ली। कल नीतीश कुमार ने आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। बीजेपी जेडीयू को पहले मौका दिए जाने से आरजेडी नाराज है। सुबह 11 बजे पार्टी नेताओं की बैठक होगी। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और ट्वीट कर लिखा है कि ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ये सरकार बनाने का न्योता नीतीश को देने और शपथ ग्रहण का वक्त सुबह 10 बजे करने के विरोध में आरजेडी और कांग्रेस ने कल राजभवन तक मार्च किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा राज्यपाल ने अब ये तय कर लिया है कि सुबह जेडीयू सरकार को शपथ ग्रहण करानी है, लेकिन उनके पास एक मौका था कि वो मिसाल बन जाते। पास अभी भी ऐतिहासिक मौका है, वो मौका संविधान की रक्षा का है और संविधान का रक्षा अगर वो करते हैं तो उनको बिहार की जनता नहीं बल्कि देश की जनता याद करने का काम करेगी। आरजेडी इस मसले पर व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में। बिहार के सभी जिलों में आरजेडी विश्वासघात दिवस मनाते हुए प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामेश्वर शहर जाएंगे, जहां वो डॉक्टर कलाम मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्पीच को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा शपथ ग्रहण के दौरान महात्मा गांधी की दीनदयाल उपाध्याय से तुलना की गई, जो बिल्कुल गलत है। इराक में लापता भारतीयों पर लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान देते हुए कहा मोसुल में भारतीयों के मारे जाने का कोई सबूत नहीं है और बगैर ठोस सबूत के किसी को मृत घोषित नहीं किया जा सकता।